अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे हमने कल की वीडियो में बताया था कि उसी तरह मामले और भी आगे बढ़ते हुए नजर आए। हमने तो कल मुकम्मल एक फहरिस्त को बताया था जो फिरका परस्तों की जानिब से दी गई है, यानी कि जाहिर की गई है, और मस्जिदों के नीचे मंदिर होने का दावा भी किया। खैर, तो आज एक और मस्जिद के नीचे मंदिर होने का दावा करते हुए हिंदुत्व तंजीमों के अफराद अदालत पहुंचे और वहां मंदिर होने की बात कही। मतलब फिरका परस्त ज़हनी तौर पर तैयार है। आज अदालत में जिस मस्जिद पर सुनवाई हुई वो है उत्तर प्रदेश बदायूं की तारीखी शानदार जामिया मस्जिद, जो पूरे भारत में इस्लामी तहजीब का बेहतरीन नमूने के तौर पर इस मस्जिद को देखा जाता है। खैर, इसके तफसीलात जानने से पहले अदालत में आज क्या हुआ इस पर भी गौर करते हैं। भारत हिंदू महासभा की जानिब से एक अर्जात दाखिल की गई थी, जिसमें भारत हिंदू महासभा के मुकेश पटेल ने मस्जिद के नीचे नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा किया था। आज अदालत ने जामिया मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात सुन ली और अगला फैसला 3 दिसंबर को रखा है। हिंदू महासभा का कहना है कि यहां पर मंदिर है और जल्द पूजा पाठ की इजाजत दी जाए। बदायूं कोर्ट के सीनियर डिवीजन ने मस्जिद इंतजामिया कमेटी की भी बातें सुन ली। खैर, जिस तरह रोजाना एक मस्जिद के नीचे मंदिर होने की बात कही जा रही है, आने वाले हालात कुछ ठीक नहीं है ऐसा लग रहा है। जहां मुल्क को तरक्की की राह पर ले जाना था, वहां मंदिर मस्जिद का इंतहाई घिनौना खेल इस मुल्क में खेला जा रहा है। और मजीद ताज्जुब की बात यह है कि मुल्क अक्सर तबका खामोश अख्तियार किए। यकीनन भारत में मुगलों ने तकरीबन 900 साल तक हुकूमत की। भले से कुछ लोग हिंदुओं पर जुल्म ज्यादती का दौर कहते हुए कहानी घड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यही वो दौर था जब तमाम मजाहिब के लोग मिलजुल कर रहा करते थे। मुगलों ने भारत के नाम को कोई इस्लामी नाम नहीं दिया, जबकि मुगलों ने अफगानिस्तान से लेकर पौंडिचेरी तक हुकूमत की थी। इन्हीं अंग्रेजों के खिलाफ पहली तलवार उठाने वाले टीपू सुल्तान थे, तो आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने भी अंग्रेजों के खिलाफ अपने बच्चों को तक कुर्बान किया। मुगलों के दौर में भारत की इकोनॉमी ने यूरोप को पीछे छोड़ दिया था। आपको सुनकर ताज्जुब लगेगा, आलमी सतह पर मुगलों के दौर में भारत तिजारत का मरकज बन चुका था। 18वीं सदी तक कुल आलमी मैन्युफैक्चरिंग करने के 28% सिर्फ अकेला भारत था। भारत को मुगलों ने लूट लिया कि कहानी बनाने वाले बताए तो सही के कहां लूट कर ले गए। आज भी इनकी शानदार इमारतें इस बात की दलील है कि इन्होंने दुनिया की शानदार इमारतों के जरिए भारत का नाम दुनिया में ऊंचा कर दिया और शनाख्त अता की। दुनिया के तमाम सुपर पावर भारत क्यों आना चाहते थे, यही वजह थी कि मुगलों ने उस मकाम पर भारत को पहुंचाया था। आज जहां जहां मंदिर होने के दावे किए जा रहे हैं, वही वो शानदार इमारतें दरअसल भारत की पहचान है। आज इन तारीख इमारतों को निशाना इसलिए बनाया जा रहा है ताकि मुगलों की निशानी ना रहे, और वैसे भी फिरका परस्तों को ये एक गुलामी की निशानी लगती है। इनकी अपनी पहचान नहीं थी, ये भी उतना ही है। मुगलों ने भारत को नई ऊंचाइयां अता की। मुगलों ने तिजारती ताल्लुकात के लिए भारत में सड़कें बनाई ताकि आसानियां हो सके। पूरे मुल्क में एक तरह के सिक्के बनाए जिससे खरीदो फरोख्त में आसानी हो सके। इससे भी मुगलों ने ही शुरू किया था। देश को मुत्तहिद करने में भी मुगलों का अहम किरदार रहा। आज महज नफरती सोच की वजह से ये तमाम तमाशे किए जा रहे। खैर, इन्हीं तारीखी इमारतों में से एक बदायूं की जामिया मस्जिद है, जिसे लेकर आज हंगामा किया गया। तारीख और रात में बदायूं की जामिया मस्जिद को बेहतरीन इस्लामी तहजीब की पहचान के तौर पर दिखाया जाता है। यहाँ की मस्जिद में अंदरूनी जो नक्काशी है और मस्जिद के अंदरूनी लिखावट को देखने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। शहर के सोथा मोहल्ला के मौलवी टोला में जामिया मस्जिद शमसी मुकीम है। इसकी बुनियाद 1210 में दिल्ली के बादशाह बनने से पहले शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बुनियाद रखी। इस बादशाह ने 1210 से 1236 तक दिल्ली पर हुकूमत की। 1223 में इल्तुतमिश की हुकूमत थी, तब इनके सूबेदार के बेटे बूटे रुकनुद्दीन ने मस्जिद के काम को मुकम्मल किया। 1225 में मस्जिद मुकम्मल हो गई। इल्तुतमिश तुर्क था और कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। फिलहाल यह अतराफ में घनी आबादी है और 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है। इंतजाम जिला काजी के जरमातियात है। जामिया मस्जिद शमसी के पीछे मस्जिद मौजिया भी है। इसकी नींव बदायूं में मुस्लिम हुक्मरानों से पहले बादशाह कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। मोहल्ला सोथा की जामिया मस्जिद में मशहूर औलिया हजरत निजामुद्दीन इबादत किया करते थे। इस मस्जिद को सैयदों वाली मस्जिद भी कहा जाता है। इस मस्जिद में एक तारीखी कुआं है जिसे भी सैयदों वाला कुआं कहते हैं। बड़े बड़े बुजुर्गों का कयाम यहाँ होने की बात कही जाती रही है, लिहाजा फिरका परस्तों को इन औलिया कराम की अहमियत की क्या कदर। पर जानबूझकर इस कदर किसी समाज को तकलीफ देना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि मुल्क दिगर मसाइल से जूझ रहा है। खुद हिंदू नौजवानी बेरोजगारी से बेहाल है, घरों में खवातीन महंगाई से बेजार है, लेकिन इन्हें मंदिर तलाशने की जल्दबाजी लगी हुई है। महज एक समाज को नफरत के तहत रोजाना इस तरह की हरकतों को अंजाम दिया जा रहा है। संभल में कई नौजवानों की मौत हुई जिन्हें हिंद के बादशाह कहा जाता है। अब ख्वाजा गरीब नवाज के आस्थाने को तक बख्शा नहीं जा रहा।
अदालतों की जानिब से सर्वे की इजाजत भी एक तश्वीशनाक बाब कह सकते हैं, जिस पर दिगर सेक्युलर ताकतों को आगे बढ़कर आवाज उठाना होगा। आज बदायूं की मस्जिद को लेकर सुनवाई, कल अजमेर दरगाह को लेकर तफ्तीश, उससे पहले समर की जामिया मस्जिद और उससे भी पहले बाबरी मस्जिद। आखिर मामला कहां तक चलता रहेगा? इस नफरती अभियान का अख्ताम कब होगा? रोजाना की इन हरकतों से अब दिल भी उग चुका है, हालांकि मुल्क की आवाम भी नहीं चाहती। हर रोज मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम फसाद, आग धुआं, बंद बाजार, ये तमाम मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट जरूर है। यकीनन कुछ गिने चुने लोगों को इसका फायदा हो सकता है और हो रहा है, लेकिन इन नफरती हरकतों से मुल्क कभी तरक्की की राह पर नहीं चल सकता, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। सरकारी कोर्ट ने तो अपनी बहस पूरी कर दी है और इंतजामिया कमेटी की ओर से अनवर आलम की बहस हुई थी, वो अपना पक्ष रख रहे हैं, उसके बाद फिर हिंदू महासभा अपना पक्ष रखेगी। क्या हुआ है? ऐसा है, नीलकंठ महादेव बनाम जामा मस्जिद में मेंटेनेबिलिटी पे लगी हुई थी तारीख, मेंटेनेबिलिटी पे उनकी जो है हमारे 7-11 की हमारी दरख्वास्त है, जिसमें हमने ये कहा ये मुकदमा चलने के लायक नहीं है कि इन्हें वाद कारण भी प्राप्त नहीं है कोई, और जिन लोगों ने मुकदमा दायर किया उन्हें मुकदमा दायर करने का हक भी नहीं है। कंठ महादेव का के मंदिर में पूजा अर्चना करने की अनुमति दी है, ये हमारी ओर से याचिका प्रस्तुत करी गई है और उस पर विपक्षी गण जो भी हैं उन्होंने ऑर्डर 7/11 की एप्लीकेशन बात की पोषणीयता ना होने के संबंध में प्रस्तुत की है, जिस पर सुनवाई चल रही है और सरकार की ओर से DGC के द्वारा अपना पक्ष रखा जा चुका है, अब इंतजामिया कमेटी की ओर से अपना पक्ष रखा जा रहा है और उसका विस्तृत जवाब हम लोगों के द्वारा दिया जाएगा। आज उनकी बहस पूरी नहीं हुई है, 3 तारीख के लिए समय लिया गया है, 3 तारीख को अब आगे की शेष बहस शुरू होगी।